आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर फोर क्यूब और थ्री रेस टू फोर अब फोर क्यूब होता है फोर इंटू फोर इंटू फोर विच इज सिक्सटी फोर एंड थ्री रेज टू फोर होता है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ये प्रोडक्ट आता है एटी वन सो क्लियरली एटी वन इज

And 3 cube is 3 into 3 into 3, which is 27. So clearly 343 is greater than 27. So therefore, 7 cube is greater than 3 cube. Now, next question. Dekhtein. फोर रेस टू फाइव और फाइव रेस टू फोर ना फोर रेज टू फाइव कैन बी रिटर्न आज फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है वन जीरो टू फोर And five raised to four is key value I five into five into five into five, which is six twenty-five. So clearly one zero two four is greater than six twenty-five. Therefore, four raised to five is greater than five raised to four. Ab next. देखते हैं टू रेस टू टेन और टेन रेस टू टू यानी टेन स्क्वायर अब टू रेस टू टेन को इवेलुएट करते हैं तो टू को दस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दो तीन चार पांच फिर ये छ सात आठ नौ और दस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये प्रोडक्ट आता है वन जीरो और अगर हम टेन स्क्वायर इवेल्युएट करते हैं ये आता है टेन इंटू टेन विच इज हंड्रेड सो अगेन वन जीरो टू फोर इज ग्रेटर देन हंड्रेड देर फोर टू रेस टू टेन

128. तो पहले इसको हम इधर फैक्टराइज कर देते हैं देखिए इस तरीके से 128. ये तो 2 से डिवाइड करेंगे सो टू सिक्स टू सिक्स सॉरी टू फोर 8. तो ये टू टाइम सिक्सटी फोर हो गया अगेन वी डिवाइड बाय टू टू थ्री जा सिक्स टू टू ज फोर अगेन डिवाइड बाय टू तो ये हो जाएगा सिक्सटीन फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 और आगे डिवीजन जाएगा 2 से तो इधर 4 देन टू एंड फाइनली अगेन टू से डिवाइड करेंगे तो वन तो एक दो तीन चार 5 छ सात तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू इन 2 टू इंटू टू ये तीन हो गए फिर ये चौथा पांचवा छठा और ये सातवा सो बेसिकली दिस इज टू अब नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं से वन जीरो टू फोर इसको पावर्स ऑफ टू में लिखना है तो अगेन वन जीरो टू फोर इसको हम डिवाइड करते जाते हैं से टू से टू से ये करेंगे तो फाइव वन टू अगेन इफ डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा अगेन इफ़ डिवाइड बाय टू ये आएगा वन ट्वेंटी एट देन अगेन डिवाइड बाय टू तो सिक्सटी फोर अगेन वी डिवाइड बाय टू दिस इज थर्टी टू फिर टू से डिवाइड करेंगे तो इसको सिक्सटीन मिलेगा डिवाइड बाय टू इज एट अगेन ये टू से डिवाइड करेंगे तो फोर अगेन टू से डिवाइड करते हैं तो टू एंड देन टू से डिवाइड करेंगे तो वन तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस सो दिस इज एक्चुअली टू इंटू टू इंटू टू थ्री हो गया ये फोर ये फाइव सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन ये टेन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस सो दिसन एज टू रेस टू टेन राइट द फॉलोइंग एज पावर ऑफ नेगेटिव थ्री तो सबसे पहला जो है वो है नाइन नवीन होता है थ्री थ्री नाइन होता है लेकिन नेगेटिव थ्री इंटू नेगेटिव थ्री भी नाइन होता है तो ये हो जाएगा negative 3 का देखिए इवन पावर है इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव है तो जब भी पॉजिटिव आंसर आए तो हमारा जो पावर है वो इवन होना चाहिए नेक्स्ट हमें दिया है नेगेटिव ट्वेंटी सेवन तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं एज नेगेटिव थ्री इंटू नेगेटिव थ्री इन टू नेगेटिव थ्री 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 नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन और negative है, राइट यहाँ पे नेगेटिव ट्वेंटी सेवन है सो जो माइनस थ्री या नेगेटिव थ्री का जो पावर होगा वो ऑड आया देखिए थ्री आया यहाँ पे राइट सो ऑड पावर में आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है सो नेगेटिव थ्री को हम तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ट्वेंटी सेवन आता है एक और ले लेते हैं क्वेश्चन एटी वन तो यहां पे देखिए पॉजिटिव वैल्यू है सो दिस हैज टू बी नेगेटिव थ्री रेज टू सम इवन पावर ओके सो देखते हैं अभी थ्री इंटू थ्री ये 9, 9, 3 होता है ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन इन थ्री होता है एटी वन और नेगेटिव थ्री अगर हम लेते हैं तो एक दो तीन चार बार हमें हम मल्टीप्लाई करना होगा देखिए तो पॉजिटिव वैल्यू आया सो इट इज नेगेटिव थ्री रेज टू फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग केसेस अभी फर्स्ट है सेवन रेज टू एक्स इज इक्वल टू थ्री फोर्टी थ्री सो देो सेवन रेज टू एक्स इज इक्वल टू नाउ थ्री फोर्टी थ्री को सेवन के टर्म्स में लिखना हमें सो दिस इज सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन सो दे फोर सेवन रेज टू एक्स इज इक्वल टू सेवन क्यूब ये पावर्स अगर हम देखें बेस सेम है सो वी कैन डायरेक्टली से एक्स इज इक्वल टू थ्री नेक्स्ट uh, देखते हैं नेक्स्ट है थ्री रेस टू एक्स इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी नाइन तो अभी इसे थ्री के पावर में एक्सप्रेस करना होगा सो इफ यू मल्टीप्लाय थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन थ्री इज वन, वन थ्री थ्री इज़ टू फोर्टी आटी सेवन ट्वेंटी नाइन So, therefore, 3 raised to x or is side 3 raised to 6. So, therefore, again by comparison, we could say x is equal to 6. Let's take another example. Third example, let's 8 raised to x is negative 5, 1,

थ्री लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल नेक्स इज वन जीरो टू फोर सो राइट एंड साइड को हम नेगेटिव फोर के पावर्स में एक्सप्रेस करते हैं सो नेगेटिव फोर इंटू नेगेटिव फोर इंटू नेगेटिव फोर 1664 ये अगेन इनटू नेगेटिव फोर और एक और आएगा नेगेटिव फोर तो एक दो तीन चार पांच फोर को अगर हम पांच बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वन जीरो टू फोर आता है सो एक मिनट फोर फोर जिक्सटीन फोर जिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इंटू फोर सिक्सटी फोर इंटू फोर 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 सिक्सटीन ये ये तो करेक्ट है यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था ये जो वैल्यू है यहाँ पे शुड बीन नेगेटिव वन जीरो टू फोर अब सही है एक दो तीन चार पांच ओके फोर फोर सिक्सटीन ट्वेंटी फोर एंड टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स इंटू फोर इज वन जीरो टू फोर ये सही आ रहा है सो वी हैव Negative 4 raised to x or is there of negative 4 raised to 5 So base same. Hai. So by comparison x will be equal to 5 Let's take uh, One more example a example lete We have 2 by 5 raised to x is 32 By three, one, two, so, by 3, 1, 2, 2 2 5. So to x. एक्सप्रेस करें तो 8, 8 तीन 16, 16 फोर 32. और इसे अगर हम 5 के पावर्स में एक्सप्रेस करें तो 5 into 5 into 5. इंट 625 into 5. सो so, ये हो जाता है आपका थ्री वन टू फाइव सो बेसिकली दिस इज टू बाय फाइव रेस टू फाइव तो बेस सेम है टू फाइव अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप से नेगेटिव थ्री बाय फोर रेस टू एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टू फोर्टी थ्री बाय वन जीरो टू फोर ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं क्या आता है ओके दिस विल बी नेगेटिव थ्री बाय फोर रेस टू एक्स अब नेगेटिव है तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ये नेगेटिव थ्री होगा सो नेगेटिव थ्री एक ये दो ये तीन थ्री थ्री इजा नाइन नाइन थ्री इज ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री एटी वन इंटू थ्री टू फोर्टी थ्री करेक्ट और नीचे हम लिख सकते हैं फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर ये भी पांच बार आएगा सो बेसिकली दिस इज नेगेटिव थ्री बाय फोर द होल थिंग रेज़ टू फाइव सो अगर बेस सेम है So therefore, we could say x is equal to 5.